Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to discuss variable and types of variables and theoretical framework in our today's lecture. So first of all, we start from a variable. So what is a variable? A variable is anything that can take on different values. वेरिएबल वो चीज़ है जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेता रहता है, जो इसके नाम से ही जाहिर है, वेरिएबल वेरी, जो वेरी करता जाता है इसकी वैल्यू, और ये कांस्टेंट नहीं रहते. द वैल्यूज़ कैन डिफर एट वेरियस टाइम्स फॉर द सेम ऑब्जेक्ट आर पर्सन, और एट द सेम टाइम फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर पर्सन्स. जो इसके वैल्यू सेम डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट वैल्यू होते हैं, जिस तरह ऑब्जेक्ट या पर्सन के हवाले से, और या सेम टाइम पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या पर्सन ये कैरी कर लेते हैं. और फॉर एग्जांपल, हमें एग्जांपल में प्रोडक्शन यूनिट है, एब्सेंटीज़म है, मोटिवेशन है, मुख्तलिफ पर्सन मुख्तलिफ टाइम के हवाले से ये बदलते रहते हैं. और इसके अलावा जो है वेरिएबल, वो चीज़ को भी कह सकते हैं जो मेजरेबल हो. ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जो कंसेप्ट जो है, जो टर्म, जो जिस तरह मोटिवेशन है जिसको हम मेजर कर सकते हो, उसको जो है हम वेरिएबल का नाम भी देते हैं. A variable in research simply refers to a person, place, thing or phenomenon that you are trying to measure in some way. तो dear students, ये आगे types और इसके framework को समझने से पहले थोड़ा सा इसके framework की तरफ जाते हैं कि diagram और theoretical framework, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें पूरा एक idea हो जाए. डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने वेरिएबल की बात की, यहाँ पे हमारे सामने जो है एक फिगर दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है. इसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स हमारे सामने मौजूद हैं. जॉब रिवॉर्ड है, जॉब ट्रेनिंग है, जॉब इवेल्युएशन है, और साथ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक दूसरे उसमें डब्बे में दिया हुआ है. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन फेनोमेनन है और टेक्नोलॉजी है. ये ऑलमोस्ट सिक्स वेरिएबल्स हैं. तो जो यहाँ पे शुरू में जो दिए गए हैं, जॉब रिवॉर्ड, जॉब ट्रेनिंग एंड जॉब इवेल्युएशन, इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाता है. तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और ये वेरिएबल्स जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जो कि एक मीडिएटिंग वेरिएबल है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है, इसके थ्रू होते हुए ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो इसके आखिर में दिया हुआ है, इसको जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इस पे जो है इफेक्ट कर रहे हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट भी कहा जा सकता है, जिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस पे इफेक्ट कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कास्ट भी कह सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या कोई और भी इसमें जगह मीडिएटिंग वेरिएबल रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें हों. सपोज किया है यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक मीडिएटिंग वेरिएबल मीडिएट कर रहा है तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान. और साथ साथ यहाँ पे मॉडरेटर जो है एक टेक्नोलॉजी है जो मॉडरेट कर रहा है, कम या ज़्यादा कर रहा है इस रिलेशनशिप को. तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप दिखाई दिए गए हैं, एक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान. यहाँ पे जो है ये एक कम्प्लेक्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है. यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जॉब रिवॉर्ड का इनडायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है. इसी तरह जॉब रिवॉर्ड मेडिएटर के थ्रू भी जो है वो इफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को.
यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी है। बाकी जॉब ट्रेनिंग और जॉब इवेल्यूएशन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मीडिएटर के थ्रू। तो ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये एक थ्योरी को फॉलो करते हुए इसको प्रूव या डिसप्रूव करता है। इन वेरिएबल्स के थ्रू जो है इनके रिलेशनशिप को देखा जाता है कि रिलेशनशिप डिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग के होते हुए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, और इस तरह इनको देखा जाता है। तो ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का एक डायग्राम था, इसमें हमने मुख्तलिफ वेरिएबल्स और उनके दरमियान रिलेशनशिप को हमने देख लिया। तो अभी हम चाहते हैं इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो वेरिएबल की डिफिनीशन हो गई कि वेरिएबल वेरी करता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता, और वेरिएबल की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मेजरेबल होता है। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स विच आर एज फॉलोस। डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड पे इंटरवीनिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल, और फोर्थ पे मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज़ है, जिसे हम इफेक्ट कहते हैं, जिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उस पे असर करता है, और इसी तरह से जो है फ्रेमवर्क के अंदर रिलेशनशिप को जो है फाइंड आउट की जाती है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है द वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और मेजर द प्रॉब्लम और आउटकम अंडर स्टडी इज कॉल्ड ए डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो चीज़ है जो डिस्क्राइब है, मेजर करता है प्रॉब्लम को या आउटकम को जो हम स्टडी कर रहे हो, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। इन ए कॉज रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप रिग्रेशन एनालिसिस में द कॉज इज दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस तरह हमने पढ़ लिया था जॉब रिवॉर्ड, जॉब ट्रेनिंग, जॉब एनालिसिस जो थे वो क्या थे, जो फ्रेमवर्क अभी हमने पढ़ लिया उसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे जिन्हें हम कॉज कहते हैं। एंड द इफेक्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें इफेक्ट फ्रेमवर्क के अंदर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। इफ वी हाइपोथेसाइज दैट स्मोकिंग काजेस लंग कैंसर, अगर हम मफरूजा कायम कर लें कि स्मोकिंग जो है वो कैंसर का, लंग कैंसर का वजह बनता है, स्मोकिंग इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एंड कैंसर द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो है स्मोकिंग जो है सिगरेट पीना ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और लंग कैंसर होना वो क्या बन जाता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। ये एक सिंपल हाइपोथेसिस हम की मिसाल हमने ले ली। नेक्स्ट जो है दैट इज सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब आर मेजर द फैक्टर दैट इज एज्यूम्ड टू कॉज आर एट लीस्ट टू इन्फ्लुएंस ए प्रॉब्लम आउटकम इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है वो है जो कॉज का काम कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है द प्रॉब्लम या आउटकम पे, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे हमने अभी हमने डिस्कस कर लिया कि स्मोकिंग काजेस लंग कैंसर, तो स्मोकिंग जो काज कर रहा है वो लंग कैंसर का सबब बन रहा है, तो स्मोकिंग को जो है वी कंसिडर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह जो है अगर हम कह लें कि आइसक्रीम सर्दियों में खाना वो टेम्परेचर को बढ़ा दे देता है, तो जो आइसक्रीम जो हो गया जो सबब बन रहा है टेम्परेचर को बढ़ाने में, वो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। और टेम्परेचर का बढ़ जाना जो है फीवर होना इसी तरह वो क्या, वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। थर्ड पे जो है इंटरवीनिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट, जिसे प्रेडिक्टर भी कहा जाता है, मतलब नामों से याद किया जाता है, एंड द
डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहा जाता है, इनको इनके रिलेशनशिप को वो एक्सप्लेन करता है। मतलब दो रिलेशनशिप हैं, दो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को मीडिएटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन करता है, जो अभी हमने एग्जांपल में पढ़ लिया था डायग्राम में कि तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। डिपेंडेंट वेरिएबल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस था और जो है बीच में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो मीडिएटिंग वेरिएबल था। तो ये उसको एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन्स हाउ और व्हाई देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दोनों के दरमियान रिलेशनशिप किस तरह है, कैसे है। फॉर इंस्टेंस इमेजिन डेट यू फाइंड पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन नोट टेकिंग एंड परफॉर्मेंस ऑन एन एग्जाम। दिस एसोसिएशन मे बी एक्सप्लेन बाई नंबर ऑफ आवर्स स्टडी विच वुड बी द मीडिएटिंग वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जो है आप अगर दो चीज़ों का एसोसिएशन मालूम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप मालूम करना चाहते हैं कि नोट लिखना और एग्जाम में परफॉर्मेंस को अगर देखना चाहते हैं तो इस तो ये जो है इसमें एक नोट टेकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एग्जाम परफॉर्मेंस एग्जाम डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस रिलेशनशिप के अंदर जो मीडिएटिंग वेरिएबल है वो हो सकता है कितने टाइम आप जो है ना स्टडी टाइम कितना आप टाइम दे देते हैं, मीडिएटिंग वेरिएबल जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नोट टेकिंग कर रहे हैं और एग्जाम परफॉर्मेंस है वो कितने टाइम स्टडी कर रहे हैं। अगर ये चीज़ बीच में लाया जाए तो उस रिलेशनशिप को जो है वो हमें एक्सप्लेन करके दे देता है। इसी तरह जो है मॉडरेटिंग वेरिएबल इज अ थर्ड पार्टी वेरिएबल दैट मॉडिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Objectives of moderating variable is to measure the strength of the relationship between independent variable and dependent variable. Moderating variable जो है वो moderate करता है, कम या ज़्यादा करता है relationship के दरमियान strength को बढ़ाता है या कम करता है। Independent और dependent variable के दरमियान और moderating variable को जो है वेरिएबल को फ्रेमवर्क के अंदर जब लिया जाता है तो उसके जस्टिफिकेशन भी दिया जाता है। इसी तरह जिस तरह मीडिएटिंग वेरिएबल हो गया, मॉडरेटिंग वेरिएबल हो गया, तो रिसर्च इन चीज़ों को जस्टिफाई करता है कि इसने क्यों लिया है, मीडिएटिंग की क्या ज़रूरत थी, मॉडरेटिंग क्या ज़रूरत थी, क्या लिटरेचर हमें बता रहा है कि चीज़ों का। इसी तरह इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को अपने स्टडीज़ जो स्टडी कर रहा है उसमें गैप को देखते हुए इन चीज़ों को अडॉप्ट करता है और जब लिटरेचर से वो जो है उसको पता चल जाए कि ये जो है इनको लेना इम्पोर्टेंट है, इसके थ्रू जो है गैप आ सकता है, वो गैप को फाइंड आउट करता है, तो ये जो है चीज़ों को जस्टिफाई करके लिखना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है पिक्टोरिकली मॉडरेटर वेरिएबल्स एरो लाइन इज पॉइंटिंग टू द मिड पॉइंट ऑफ द एरो लाइन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने आखिर में हमने पढ़ लिया था डायग्राम में कि मॉडरेटिंग वेरिएबल जिस तरह टेक्नोलॉजी है तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट या मीडिएटर या डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान या इंडिपेंडेंट मीडिएटर के दरमियान जो एरो लाइन है उसको जो है उससे मिलता है और ये इस तरीके से इसको शो किया जाता है। जिस तरह यहाँ पे शो किया गया है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के दरमियान जो है जो एरो लाइन गया है रिलेशनशिप को जो शो कर रहा है उसको जाके मिल रहा है टेक्नोलॉजी जो कि मॉडरेटर है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ एज इज ए मॉडरेटर वेरिएबल बिटवीन सैलरी जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड हेल्थ स्क्रीनिंग एक्सपेंसेस जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एज यहाँ पे एक मॉडरेटर का
काम कर रहा है। देयर देन रिलेशनशिप बिटवीन सैली एंड हैरी स्किनी कैन बी स्ट्रॉन्गर फॉर ओल्डर मैन एंड लेस स्ट्रॉन्ग फॉर यंगर मैन। तो उस हवाले से जो है सैलरी और हेल्थ स्क्रीनिंग का स्ट्रांगर होगा ओल्डर लोगों के लिए और लेस लोगों के लिए ये वो होगा, मतलब जितनी एज ज़्यादा होती जाएगी इस तरह अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, इस तरह वो बन जाते हैं। तो एज जो है उसके हवाले से सैलरी और हेल्थ स्क्रीनिंग के हवाले से ये हमें बताता है कि इसको स्ट्रांग मसला जितना बड़ा बूढ़ा होता जाता है उसके हेल्थ के हवाले से वो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और मतलब ज़्यादा कॉन्शियस होता जाता है, और यंग में जो है मतलब ज़्यादा से स्ट्रांग होता है। तो एक रिलेशनशिप को जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है एज सैलरी और हेल्थ स्क्रीनिंग के हवाले से। तो एज ए मॉडरेट के तौर पर जो है इसको हम ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिस तरह हमने डायग्राम से हमने पढ़ लिया, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लाइक ए थ्योरी बट नॉट नेसेसरीली सो वेल वर्कड आउट। इस तरह थ्योरी की तरह एक इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ वेरिएबल्स दिए गए हैं, कुछ वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, कुछ डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनमें से एक मीडिएटर है और जो है नेक्स्ट जो है वो मॉडरेटर है। तो ये सारे मिलकर के आपस में एक इंटर रिलेटेड होते हैं। ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क गाइड्स योर रिसर्च डिटरमिनिंग व्हाट थिंग्स यू विल मेजर एंड व्हाट स्टैटिस्टिकल रेशियो यू विल लुक फॉर। ये हमें गाइड कर रहा होता है रिसर्चर को कि किस तरह मेजर करेगा, क्या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जो है वो देखना चाहता है एक इन के दरमियान इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स के दरमियान। और ए गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज एंड लेवल्स द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स इन द सिचुएशन दैट आर रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम डिफाइंड। इट लॉजिकली डिस्क्राइब्स इंटरकनेक्शन अमंग दीज वेरिएबल्स। तो ये जो लॉजिकल रिलेशनशिप एरो निशान में जो बता रहा है ये लॉजिकली इंटरकनेक्टेड होते हैं, वैसे नहीं बनाते, और ये चीज़ें जो है फिर थ्योरी को फॉलो कर रहे होते हैं, प्रॉपर थ्योरी को लिया जाता है। और नेक्स्ट जो है द रिलेशनशिप अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इफ एप्लीकेबल द मॉडरेटिंग इंटरवीनिंग वेरिएबल्स आर एलेबोरेटेड। रिलेशनशिप को एलेबोरेट करता है, जैसा अभी हमने पढ़ लिया डायग्राम में कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और उनका रिलेशनशिप है डिपेंडेंट वेरिएबल, और थ्रू हमने बताया था कि एक मीडिएटिंग वेरिएबल के थ्रू होते हुए रिलेशनशिप बना रहे हैं, और इसी तरह एक मॉडरेटर भी है। इफ देयर इज एनी मॉडरेटिंग वेरिएबल इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाट स्पेसिफिक रिलेशनशिप इट वुड मॉडरेट। सिमिलर इफ देयर इज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल या मीडिएटर अ डिस्कशन ऑन हाउ एंड व्हाई दे आर ट्रीटेड एज इंटरवीनिंग वेरिएबल वुड बी नेसेसरी। तो ये जो चीज़ें मॉडरेटर अगर रिसर्चर ले लेता है, मीडिएटर ले लेता है, और कुछ इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट या दो डिपेंडेंट वेरिएबल ले लेता है, तो इनको जस्टिफाई करता है, बताता है कि इनको मैंने क्यों लिया है, मेरे स्टडी से रिलेटेड थी, क्या ज़रूरी थी। तो जाहिर है उसके पीछे एक लिटरेचर रिव्यू होता है और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और जो रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है उसके मुताबिक ये जो है इन चीज़ों को बना रहा होता है। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सम एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज फॉलोस। जो इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं और उनमें से पहला जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। The variables considered relevant to the study should be clearly identified and labeled in the discussions. Dear students, यहाँ पे जो है variables को पहले identify किया जाता है कि इनमें कौन कौन से variables हैं, कौन कौन से independent है, कौन सा dependent है, एक है या दो है, और mediator कौन से हैं, moderators कौन से हैं। identify करने के बाद फिर उनको जो है ना बाकायदा उनको proper तरीके से उस रिलेशनशिप के दरमियान जो इंटरकनेक्टेड होते हैं उनको वहाँ पे प्लेस किया जाता है। द स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल्स, द डिस्कशन शुड स्टेट हाउ टू आर मोर वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। जो डिस्कशन है वो हमें बताएं कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स किस तरह दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्या रिलेशनशिप के दरमियान
This would be done for the important relationship data theorized to exist among the variable. एक थ्योरी को फॉलो कर रहे होते हैं, प्रॉपर एक थ्योरी उसके जो है बेक में होता है, तो ये जो है ना प्रॉपर तरीके से स्टेट किया जाते हैं वेरिएबल्स को। नेक्स्ट जो है डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। डियर स्टूडेंट्स, इफ द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स कैन बी थियोराइज ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिसर्च, देन देयर शुड बी एन इंडिकेशन इन द डिस्कशन एज टू वेदर द रिलेशनशिप वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी वेरिएबल्स लिए जाते हैं और फिर इनका जो है वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट काज और इफेक्ट रिलेशनशिप और इनके दरमियान डायरेक्शन को देखा जाता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है, और लिटरेचर रिव्यू दूसरे लिटरेचर रिव्यू से भी फायदा लिया जाता है, दूसरे लोगों के रिसर्च के फाइंडिंग से भी मदद लिया जा सकता है, और प्रॉपर थ्योरी को फॉलो करते हुए इन इस तरह मालूम किया जाता है। क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोपोज्ड रिलेशनशिप। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन हमें बताने की कोशिश करता है जो रिलेशनशिप एक फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद है। देयर शुड बी ए क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई वी वुड एक्सपेक्ट दीज रिलेशनशिप्स टू एग्जिस्ट। द आर्गुमेंट्स कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स। तो जिस तरह हमने डायग्राम में पढ़ लिया कि जो वेरिएबल्स इंटरकनेक्टेड हैं उनको एक्सप्लेन करता है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, और रिलेशनशिप को जो है वो थ्योरी फ्रेमवर्क हमें बता देता है कि ये रिलेशनशिप के अंदर मौजूद है। स्कीमेटिक डायग्राम और थ्योरी फ्रेमवर्क। स्कीमेटिक डायग्राम और थ्योरी फ्रेमवर्क शुड बी गिवन सो दैट द रीडर कैन सी एंड इजीली कम्प्रीहेंड द थ्योराइज्ड रिलेशनशिप्स। इनके जो है ना थ्योरी फ्रेमवर्क में जो इनके दरमियान रिलेशनशिप है और उसको रीडर के लिए एक रीडेबल बनाना चाहिए ताकि वो आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें कि ये इसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, डिपेंडेंट कौन सा है, मीडिएटर और मॉडरेटर कौन से हैं, उनको इस तरह रिलेशनशिप डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ें जो है इस तरह से मॉडल को बनाना चाहिए तो थ्योरी बेस्ड हो। तो ऐसा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आगे हाइपोथेसिस डेवलपमेंट में मदद दे देता है, और आसानी से हाइपोथेसिस डेवलप किए जा सकते हैं, उसमें टेस्ट किए जा सकते हैं, और ये रिलेशनशिप लॉजिकली और लिटरेचर बेस्ड होना चाहिए। जब इस तरह से जो हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे तो जो है रिसर्चर को आगे फर्दर एनालिसिस में और आगे उसमें मेथडोलॉजी में आसानी हो जाती है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से मुतालिक और इसके वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स से मुतालिक। थैंक यू सो मच।